हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग फिर से वही गेम खेल रहे हैं, पबजी मोबाइल। और आज हम लोग वही जगह उतरते हैं जहाँ पे हमेशा उतरते हैं, जिसका नाम है कोचिंग की। तो आज हम लोगों के साथ कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है, तो देखते हैं आगे गेम प्ले के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बुरी बात, जो सबसे बुरी बात ये है कि मैं जो गेम खेल रहा था, मैंने कुछ नया सेटअप करा था, तो मैंने सोचा कि कुछ नया सेटअप से गेम खेलूँ, जिससे आपको मेरी वॉइस के साथ मेरे पार्टनर्स की और सब जो भी मैं अगर बात करता हूँ उस पर, तो सारी वॉइस आ जाए। मतलब जितनी भी मैं टीम से बात करता हूँ वो सब वॉइस आ जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और सीन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। मैंने उसको ट्राई करा तो उसका जो था ऑडियो ही मिस मैच हो गया। और मेरे पास अभी सिर्फ आज के दिन के लिए सिर्फ यही वीडियो बची है, क्योंकि जो मेरी दूसरी वीडियोस थी वो मेरे कहीं और रखी हुई है, मतलब दूसरे लैपटॉप में है, और मेरे पास सिर्फ यही लैपटॉप है राइट नाउ। तो सॉरी फॉर दैट। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे कुछ बंदे दिख रहे थे मुझे, तो यहाँ पे मुझे बंदों को निपटाना ज़रूरी समझा, और मैंने सोचा कि चलो पहले बंदे निपटाएंगे, उसके बाद हम लोग कहीं और जाएंगे। तो मेरा पार्टनर बोलता भाई बंदा यहीं पर कहीं पर है, मेरे को दिख जाता है और मैं उसको निपटा देता हूँ। यहाँ पे इन सबको निपटाने की बात तो ठीक है, बट यहाँ पे एक गलत सीन तो मतलब यही हुआ सबसे ज़्यादा मेरे साथ, कि मेरा जो था वही बंद हो गया, क्या बोलते हैं हम, ऑडियो वही बंद हो गया इस गेम के अंदर। तो आपको बिल्कुल भी ऑडियो नहीं आएगी इस चीज़ की, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ इस गेम के अंदर, कोई इशू नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि ऑडियो की वजह से मुझे बहुत इशू आया। यहाँ पे ये सीन हो गया कि मेरा पार्टनर है ना, मुझे बोला था रश कर रहा है वो, बट मेरा ध्यान नहीं रहा, मैंने नेट पहले फेंक दिया था और वो उसको निपटा दिया, उसने नॉकआउट कर दिया, बट वो खुद भी नॉकआउट हो गया वहीं पे नेट की वजह से। तो वो नेट की वजह से नॉकआउट हुआ था, मैंने सोचा कि इसको रिवाइव भी दिया जाए अब, क्योंकि मेरी ही गलती थी। तो फिर मैंने सॉरी सॉरी बोल के ट्राई करा। मुझे अभी पता लगा कि ये जो है रेडियो उस पर बिल्कुल भी वॉइस नहीं आती है, तो ये चीज़ भी कुछ नहीं थी अभी के लिए, तो वो भी ठीक था। यहाँ पर एक गाड़ी गई तो मैंने सोचा कि बॉट फायर करूँगा तो शायद रुक जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, निकल ही गए। और यहाँ पर मुझे गोलियों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बंदा देख के भी आया, यहाँ पर मुझे गोलियों की आवाज़ आ रही थी, मैंने उसको जा कर के निपटा दिया। और फिर मुझे यहाँ पर पैरों के निशान भी दिखे, तो मैंने उसको तो जान दिया, मैंने बोला छोड़ो उसको बाद में देखेंगे। बट फिर यहाँ पर क्या सीन हो गया कि यहाँ पर फिर वापस गोलियों की आवाज़ आई मुझे, तो मैं उधर देखने चले गया कि कहीं ये बॉट तो नहीं, बट एट द एंड वो बॉट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बॉट दिख गए थे इस गेम के अंदर। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये भी बॉट हो, तो मैं बस मस्ती में के अंदर इधर उधर घूम फिर के मैं गन से शूट करने गया था, कि मैंने सोचा कुछ यही टाइम पास हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ और उसने मुझे M416 से नॉकआउट कर दिया। तो मैं यहाँ पर जाकर के चुपचाप बैठ गया। फिर मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है, बढ़िया प्लेयर है, तो मैंने सोचा ठीक है। यहाँ पर मुझे एक शॉट तो मारता था, बट मेरा फिर प्लेयर आ गया। यहाँ पर इसके बाद भी कोई सीन ऐसा ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो रेडियो, क्योंकि मुझे इस बार रेडियो ट्राई करना था, तो मैंने सोचा रेडियो ट्राई करते एक बार और रेडियो में देखते क्या होता है। अब मेरी हेल्थ बहुत लो थी और मैंने को बॉट को निपटा, तो मैंने सबको निपटा दिया। यहाँ पे सीन ही हो गया था कि हम लोग लूटने आए थे ड्रॉप वगैरह को, और मैं जो था यहाँ पे ड्रॉप वगैरह लूट ही रहा था तब तक, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे लूट ले ही रहा था। तो मैं इधर उधर घूमते फिरते देखा कि ड्रॉप वगैरह यहीं पर गिरा है, जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ड्रॉप लूटा जाए, और ड्रॉप में से थोड़ी बहुत चीज़ें तो मिल ही जाएगी वैसे भी। यहाँ पे मुझे सामने एटेक्स मिल गया था, बट फिर मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, मैंने सोचा जाने दो, और मैंने उसको निपटा करके मैं आगे निकल गया। वापस ही नहीं हो गया था कि वो जो बंदा था वो ड्रॉप हमसे पहले लूटने चले गया था, तो मुझे आया गुस्सा, मैंने सोचा कि अब तो इसको निपटा ही दूंगा, पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने उसको निपटा दिया, जो कि मुझे यहाँ पे भागते हुए तो दिख ही रहा था क्लियरली। मैंने एक अच्छा रूम बनाया और ओपन करके निपटा दिया। यहाँ पे इसका भी सीन ये हो गया था, यहाँ पे क्या हुआ, मैं गाड़ी में जा रहा था, क्योंकि मेरे को
कुछ बुला लिया था घर वालों ने, तो मैंने बोला मैं 2 मिनट में आता हूँ, और मैं फिर सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे लेटा रहूँगा तो कोई आएगा नहीं। बट यहाँ पे सीन ये हो गया था कि मैं जैसे ही गाड़ी में बैठने जा रहा था कि कहीं कोई आए तो मैं गाड़ी से निकल जाऊँ, वैसे ही मुझे गाड़ी की आवाज़ आई और पीछे से एकदम से गाड़ी आ गई, तो मैंने उसके ऊपर फायर मार दिया, जिसकी वजह से वो तो अकेला ही बंदा था तो वो तो नॉकआउट हो ही गया, और उसको निपटा करके उसकी गन्स वगैरह मैंने उठा ली। यहाँ पर मैं जा करके चुपचाप से बैठ गया था, क्योंकि यहाँ पर सीन अजीब सा चल रहा था, क्योंकि पीछे भी बंदे थे आगे भी बंदे थे, तो मैंने सोचा कि पहले हील करूँगा उसके बाद अंदर जा करके उन बंदों को मारूँगा, और उसके बाद आगे पीछे जितने भी बंदे हैं ना उन सबको निपटा दूँगा। तो मैं यहाँ पर अंदर ही जाने वाला था तो तभी मुझे दिख गया, जैसे आप गाड़ी देख सकते गाड़ी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने देखा तो मेरा पार्टनर भी एक तरह से जिंदा था, बट अभी नॉक हो जाएगा वो भी। यहाँ पे मुझे ड्रेस का कंफ्यूजन हो गया था कि ये मेरा पार्टनर है, जिसकी वजह से मैंने उसकी शुरुआत में गोली नहीं मारी। तो मैंने बोला ठीक है चलो अब इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे ये सीन हो गया था कि यहाँ पे जो बंदे थे ना ये गाड़ी वाले, वही बंदे आखिर में उस घर के अंदर जाके छुप जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को अच्छे से और दिखाया जाए, और पूरी डीपली बताऊँ मैं आप लोगों को कि यहाँ पे मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि मैं थोड़ा सा साइड में जा करके उनके ऊपर रश मारूंगा धीरे धीरे से, और हम यहाँ पे 3 बंदे थे, तो एक तो मेरे साथ चल ही रहा था, दूसरा भी धीरे धीरे पीछे से आ रहा था कि वो अगर हम पे रश हो जाए तो वो एक बंदा रहे पीछे से जो थर्ड पार्टी बन के या जिसे हमें कवर दे, जिससे उन लोगों का हम ध्यान भटका करके हम छुप सकते हैं और एक जगह पर कवर ले करके बाद में रिवाइव होने का कोई चांस है। तो हमने सोचा कि पहले मैं अंदर जाऊँगा, उसके बाद मैं थोड़ी देर वेट करूँगा उन लोगों के आने का, उसके बाद क्योंकि मुझे उनको भी कवर देना था और वो लोग भी सेफली आना चाहिए अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा देखूँ पहले मंदिर लिटरली यहाँ पे है, अगर यहीं पे है तो फिर मैं बोलूँगा उनको कि चलो ठीक है आ जाओ तुम लोग, और नहीं रहता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, वो नहीं भी आएंगे तो भी चल जाएगा। बट फिर पता लगा कि यहीं पे बंदे थे और उसने मुझे देखा ही नहीं, यहाँ पे सीन अच्छा हुआ उसने मुझे देखा ही नहीं, तो मुझे तो बहुत पता है, तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि यहीं पे बंदा है। मैंने सोचा कि चलो अभी अगर यहीं पे बंदा है तो मैं धीरे 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 लेट लेट के आगे जाऊँगा, क्योंकि मुझे देखना था कि इसका पार्टनर आएगा ज़रूर इसको रिवाइव करना है, और मैं उसी की जुगाड़ में था कि जैसे ही वो आएगा वो मारा जाएगा। बट यहाँ पे मेरा पार्टनर भी आ चुका था रश करने के लिए, तो उसने तो उसको नहीं मारा, बट ये अपने आप ही डेड हो गया। तो यहाँ पर मुझे एक किल एक्स्ट्रा मिल गया यहाँ का, और फिर यहाँ पर मैं धीरे धीरे, क्योंकि मेरे पास गोलियाँ भी कम थी इसकी, तो मैं इसको लूटने के लिए चला, क्योंकि मैंने पूरी गोलियाँ उनकी गाड़ी पर वेस्ट कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे पास गोलियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हुई थी। तो यहाँ पर मुझे 100 गोलियाँ मिल गई, तो मैंने बोला ये अच्छा हो गया, मेरे पास 163 गोलियाँ बहुत है इतने अभी के लिए। तो यहाँ पे मेरे से ना गलती क्या सीन हो गया कि मेरा जो पार्टनर था वो यहाँ पे लेटा हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नेट सही है, तो मैंने ना एक गलती ये कर दी कि मेरा जो नेट था ना वो मेरे पार्टनर के ऊपर ही फेंक दिया, ये वाला नहीं दूसरा वाला। और जिसकी वजह से मेरा पार्टनर ही नॉकआउट हो गया, तो वो मुझे तो बहुत चिल्ला रहा था, मैंने बोला सॉरी यार भाई गलती हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो स्मोक करके फिर उसके ऊपर या तो मैं उनके ऊपर रश मारूंगा या तो फिर मैं अपने पार्टनर को वेव देने आऊँगा। यहाँ पर मेरे पास मौली भी था, तो मैंने सोचा कि मौली फेंक देता हूँ, बंदा दिख तो रहा है यहाँ पे इजीली। बट फिर मैंने थोड़ा सोचा कि जान दो, क्योंकि गोली मार करके ही हो सकता है, बट फिर मैंने सोचा फाइनली मौली फेंक दूंगा मैं यहाँ पे, जिसकी वजह से मौली से उनके अंदर आग लगेगी और एक ना एक तो नॉक हो ही सकता, और उसकी आग लगी वो भागा वहाँ से, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो वो उसकी गलती थी कि वो बाहर निकला, क्योंकि मैं तो यहीं पर बैठा हुआ था, तो उसको तो निपटा दिया, और यहाँ पर मेरे जो पार्टनर था उसने भी उसको ग्रोसा मार के निपटा दिया, उसका किल ले लिया, और एक बंदा जो ऊपर बैठा था अब थी बारी उसकी। तो मैंने सोचा कि चलो अब या तो मैं यहाँ पे नेट कर सकता हूँ अगर मेरे पास नेट है, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्मोक करके अंदर घुसा जाए, क्योंकि नेट और स्मोक एक जगह पे नेट एक जगह पे स्मोक, इससे वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम क्या 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 फेंक रहे हैं। तो हमने दोनों जगह पे नेट फेंक करके हम लोग धीरे धीरे फूटेगा, उसके बाद हमने सोचा कि जाएंगे, और यहाँ पे पता चला कि वो नेट से ही नॉक हो गया था।
ओ यहाँ पे इसको भी किल लेकर के हमने इसको भी थोड़ा बहुत लूटा, क्योंकि मेरे पास लूट नहीं थी। जैसे मैं आपको बता ही रहा था मेरे पास लूट नहीं थी, बट मुझे गोलियों की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ से कुछ कचरा फेंका और मैंने थोड़ा बहुत लूट उठाई। मुझे गोलियों की ज़रूरत थी, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता था मुझे इस टाइम पे, तो मैंने गोली वोली लूटी। और फिर हम दो बंदे बचे थे और बाकी के दो प्लेयर थे, तो उसमें से एक तो इनका टीममेट हो सकता था और चांसेस भी थे मेरे हिसाब से, क्योंकि इन ये लोग तीन की टीम थी। उसके बाद भी वो नॉक बंदा भरा हुआ था, डायरेक्ट डेड नहीं हुआ था, तो वो चांस था एक मेरे पास कि हाँ हो सकता है कि उसका एक टीममेट बचा हो। तो मैंने सोचा कि भाई तू अंदर रुक, मैं एक बार घूम के आऊँगा, उसके बाद तू घूमने चले आना अगर तेरे को ज़रूरत हो तो। तो यहाँ पे मैं जैसे ही घूम रहा था तो इसी का पार्टनर शायद से आसपास कहीं पे लेटा हुआ था, गिली विली सब अच्छी तरीके से तैयार होकर के, बट किस्मत से उसने मुझे नहीं देखा और मैं बच गया वहाँ पे और मेरा डेथ होते होते रह गया। तो मेरी किस्मत वहाँ अच्छी थी कि मेरा डेथ होते होते रह गया और मैं जिंदा बच गया और मैंने उसको जैसे तैसे करके निपटा दिया, क्योंकि यहाँ पे लेटा हुआ था वो। तो यहाँ पे सीन क्या हुआ, मैंने उसको नॉकआउट किया और मेरे पार्टनर ने उसका किल ले लिया, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरा किल था वो पूरा क्लियरली उन्होंने ले लिया था। मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ता है इसको। फिर मैं यहाँ पे आगे गया तो यहाँ पे भी मुझे एक बंदा दिखा जो इतने बड़े कैंपर्स हुए दोनों के बैठे हुए थे एक ही जगह पे। मुझे टाइम तो लगा थोड़ा ढूंढने में, बट फिर भी मिल गए। फिर मुझे इतना गुस्सा आया ना कि यार इतने कैंपर्स कैसे हो सकते गेम के अंदर। मेरा मूड यह था कि मैं पेन फाइट खेलूँगा, बट इतना बड़ा कैंपर देख करके मेरी भी डर में आ गई और मैंने सोचा कि ये तो अक्लमंद बंदा था। तो मैंने सोचा कि पहले इससे ना एक काम करूँगा कि इसकी जो गोलियाँ है ना वो वेस्ट कराऊंगा और मैं इसके ऊपर पेन से रेस मार दिया। बट इसको पेन के एक ही लगी, दूसरी शायद लगी नहीं यार, दोनों ही नहीं लगी। मैंने बोला छोड़ो इसको और मैं इसके पास ही घूमने चला गया था, क्योंकि मुझे ये देखना था कि ये बंदा करता क्या है। मैंने उसको बोला ये देख यहीं पे बंदा है, और मैंने बोल करके जस्ट साइड हट गया। और मेरा पार्टनर जो था वो बोले कि भाई तो अंदर आ जा एक बार और मैं तुझे रिवाइव दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, मैं तुझे रिवाइव दे दूंगा और तू मार देना आखिरी बंदा, तू तेरा किल ले लेना, कोई इशू नहीं, क्योंकि तू ही MVP बनने वाला है, क्योंकि मेरे 10 किल थे इस गेम के अंदर। तो मैंने सोचा कि ठीक है एक काम करता हूँ, मैं अंदर चले आता हूँ, मैं बोल देता हूँ उनको कि मेरे को रिवाइव दे दो, और रिवाइव देने के बाद मैं रश कर दूंगा उसके ऊपर, मैं मेरी गन से उसको नॉक आउट कर दूंगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने मुझे पहले ही निपटा दिया। बट अब ये गेम जो था वो था देखने वाला है, तो मैंने सोचा कि ठीक है क्यों ना मैं एक्सपेक्टेट कर लूँ। तो एक्सपेक्टेट कर रहा था तो मैंने टीम स्पीक पे बोला कि भाई देखो तुम्हें ऐसा ऐसा सीन है, वो बंदा आएगा सामने, तो वही को दिख भी गया था बंदा, तो वो बंदा आ भी रहा था और गॉन केस। तो यहाँ पे किल हो गया गेम और गेम हमारे हाथ में। दैट वाज अ नाइस गेम एंड यहाँ पे तुम्हारा भाई MVP था।